नमस्ते बच्चों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल सीता सांगी ई लर्निंग क्लास में मैं आपकी हिंदी टीचर कविता फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी कक्षा में पढ़ने वाले हैं 3 अक्षर वाले शब्दों का लेखन। बच्चों, इसके पहले हमने 3 अक्षर वाले शब्द किस प्रकार होते हैं उनका परिचय किया है, उनकी पहचान की है, तो आज हम इन 3 अक्षर वाले शब्दों का लेखन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आओ सीखे 3 अक्षर वाले शब्द। क ल म कलम, क ल श कलश, भ व न भवन, ह व न हवन, श ह द शहद, म ग र मगर, झ ग ड झगड़, प तं ग पतंग, न ह र नहर, श ह र शहर, ल ट क लटक, छ ल क छलक, क म ल कमल, म ह ल महल, म ट र मटर, न म न नमन, स ड क सड़क, ब ट न बटन, च र न चरण, र ब र रबर, ब त ख बतक, ग र म गरम, प व न पवन, क ट र कटर, प ल क पलक, भ ग त भगत, फ स ल फसल, अ क्ष र अक्षर। तो बच्चों, ये हमने 3 अक्षर वाले शब्द देखे हैं। अब बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं जो चित्र में आपको दिख रहा है, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? तो बच्चों, पहला चित्र है नयन, नयन। दूसरा चित्र है रबड़। तीसरा चित्र है ऐनक। उसके बाद है कमल। उसके बाद है मटर। उसके बाद है महल। उसके बाद है बतख। और सबसे आखिरी में है मगर। तो बच्चों, आपको इस प्रकार चित्र देखकर चित्र का नाम लिखना है। बच्चों, अब यहाँ आपको चित्र देखकर खाली स्थान भरने हैं। तो बच्चों, जहाँ हमने देखा पहला चित्र है बतख का, तो बतख में से सिर्फ त ख ये 2 अक्षर दिए हुए हैं, तो इसमें हम पहला अक्षर लिखेंगे ब। तो ये शब्द, ये अक्षर आपको ऊपर दिए गए हैं, वहाँ से आपको ढूंढकर यहाँ खाली स्थान भरने हैं। उसके बाद है कलश। उसमें लश दिया है, हमें क यह अक्षर लिखना है। मगर, मगर में गर दिया है, हमें मह यह अक्षर लिखना है। शहर, शहर में हर दिया है, हमें श यह अक्षर लिखना है। सड़क में रक दिया है, इसमें स यह अक्षर लिखना है। चरण, चरण में रण दिया है, हमें च लिखना है। समझे बच्चों? इसके बाद है अक्षर। 3 अक्षर वाले शब्दों में अक्षरों का क्रम आगे पीछे कर अक्षर लिखे गए हैं, और इसमें आपको सही शब्द बनाना है। तो बच्चों, जहां आप देख सकते हैं पहला चित्र है लहर का, पर हमें नाम दिया हुआ है हरल,
तो हमें पहले ल लिखना है, फिर ह, उसके बाद र, लहर, सड़क, हवन, शहर, नमक, चमक, बटन। इस प्रकार हमें यह कार्य पूरा करना है। तो बच्चों, आपको तीन अक्षर वाले शब्द किस प्रकार लिखे जाते हैं यह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, हम फिर से मिलेंगे हमारे हिंदी कक्षा में एक और नए पाठ के साथ। धन्यवाद।